हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और ईश्वर से हम यही मनोकामना करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हों और अपने कार्यों में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो शुरू करते हैं खाना बनाने से। तो खाने में हम बना रहे हैं कढ़ी। तो सबसे पहले हमने इस कढ़ाई में डाल दिया था सरसों का तेल और थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सरसों का दाना, उसके बाद करी पत्ता, फिर उसके बाद हमने मसाला जो भिगोया हुआ था उसको भी डाल दिया था, खटाई थी, हल्दी पाउडर था और थोड़ी सी लाल मिर्च और लहसुन हम कूटने के लिए पहले से भूल गए थे, तो वही तुरंत हम कूट के डाल रहे हैं। और अब मसाले को हम थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखिए मसाला लगभग पक ही गया है। अब इसमें हमने डाल दिया है पानी, तो आप जितनी कढ़ी बनाएं उतना ही पानी डालें। तो हमको इतनी कढ़ी बनानी है इसलिए हमने इतना पानी डाल दिया है। अब इसको हम ढक देंगे ताकि उबलने लगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिए हैं। जब तक कढ़ी का पानी उबलता है तब तक हम बेसन को घोल लेते हैं। और बेसन को बहुत ही अच्छे से घोलना है क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी गुलथियाँ होती हैं वो कढ़ी बनाते समय एकदम ना रहे, नहीं तो कढ़ी अच्छी नहीं बनती है। और यहाँ देखिए पानी बहुत ही अच्छे से उबल रहा है। अब हम इसमें बेसन डालेंगे घोला हुआ और बराबर इसको कलछुल से चलाते रहेंगे ताकि इसकी गुलथियाँ ना बने। और इसमें थोड़ा सा पानी हमने और भी डाल दिया है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब इसको बहुत अच्छे से हम घोलेंगे। और आज हमने पकौड़ी नहीं बनाई है, बिना पकौड़ी की ही कढ़ी बनाई है क्योंकि बेसन कम था, केवल कढ़ी बन पाती, इसलिए पकौड़ी नहीं बनाई हमने। और ये देखिए अब इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब कढ़ी उबलने लगी है, ये देखिए कढ़ी बनकर अब रेडी हो गई है। और तान्या को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया है। बुखार तो शाम से ही था लेकिन थोड़ा थोड़ा था, दवा हमने खिलाई थी लेकिन दवा थोड़ा काम ज़्यादा नहीं है। इनको बुखार चढ़ता है तो पहले थोड़ा ही चढ़ता है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिना दवा कराए इनको ठीक नहीं होता, इसलिए तुरंत ही आ गए हैं दवा कराने। और हम लोग दवा कराने जा रहे हैं कुंडा। तो कुंडा जाते समय हमारे घर और कुंडा के बीच में ही मनगढ़ पड़ता है, मनगढ़ भक्ति धाम मंदिर। तो हम लोग ये देखिए मनगढ़ भक्ति धाम मंदिर गेट के सामने ही पहुँचे हुए हैं। और हम लोग कुंडा पहुँच आए थे तो यहाँ पर मम्मी का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मम्मी को भी कुछ काम था, दवा करानी थी। तो सबसे पहले हम लोग तान्या की दवा कराएंगे, फिर उसके बाद मम्मी कराएंगी। तो यहाँ तान्या की दवा कराने जा रही है मम्मी। तो तान्या को बुखार के साथ पेट भी दर्द हो रहा था, तो बुखार भी ज़्यादा था और पेट भी दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर साहब ने बोला तुरंत ही दवा खिला दो ताकि आराम भी होता रहे, घर जाते जाते काफ़ी लेट हो जाएगा, तो इसलिए हमने तान्या को तुरंत ही दवा खिला दी। और दवा अब हमने करवा ली है, अब उसके बाद चल रही है मम्मी की दवा कराने क्योंकि उनके भी दांत में दर्द है। तो ये मम्मी आई हैं अब यहाँ दांत वाले डॉक्टर के यहाँ दवा कराने। तो हम सब लोग यहाँ पर बैठकर मम्मी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मम्मी आएँ जल्दी से दवा करा के और चलें हम लोग फिर से घर। और तान्या को दवा पीने के बाद काफ़ी आराम हो गया था। तो उसके बाद हम लोग आ गए हैं साड़ी की दुकान पे क्योंकि हमको साड़ी भी लेनी थी एक, तो हमने सोचा चलो तान्या को आराम भी हो गया है लाओ ले लेते हैं। ज़्यादा खास अच्छी साड़ी नहीं थी लेकिन हमें लेना ज़रूरी था इसलिए हमने ले ली है एक साड़ी इसमें से। और अभी साड़ी लाए नहीं थे, बोले थे फिर से लाएंगे लेकिन हम बार बार अब यहाँ आ भी नहीं सकते, काफ़ी दूर है।
इसलिए हमने एक साड़ी इसमें से ले ली है। उसके बाद हम लोग फिर से निकल लिए हैं साड़ी लेने के बाद, और यहाँ से मम्मी चली जाएंगी घर और हम लोग अपने घर के लिए चल देंगे। तो यहाँ माता रानी का पंडाल सजा था, काफ़ी भीड़ थी इसलिए छोटा सा वीडियो हमने ले लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लेने लगे तिशा के लिए टॉफ़ी बिस्किट वगैरह, क्योंकि तिशा मंगाई थी वो आई नहीं थी साथ में। और डॉक्टर ने तान्या को बोला था खिचड़ी खाने के लिए, तो हम घर पहुंचकर तुरंत ही तान्या के लिए खिचड़ी बनाने लगे, और बिल्कुल गीली खिचड़ी बनाना है और तान्या को केवल केला और खिचड़ी ही खाना है। तो फ्रेंड्स अब वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और न्यू है तो सब्सक्राइब करें प्लीज़ फ्रेंड। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।